राष्ट्रीय पोषण माह के तहत प्रदेश भर में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आम नागरिकों को पोषण आहार की जानकारी देकर उन्हें स्वस्थ रहने की सलाह दी जा रही है। आदिवासी और ग्रामीण आबादी बहुल बैतूल जिले में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत रविवार को जिला चिकित्सालय बैतूल में मां शारदा सहायता समिति द्वारा बिटिया दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नवजात 12 बेटियों को माता सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा के रूप में चांदी के लॉकेट भेंट किए गए। साथ ही उनकी माताओं को साल और शॉल और बुके देकर गौरव सम्मान से नवाजा गया। माताओं को पोषण किट भी प्रदान की गई। कार्यक्रम में मां शारदा सहायता समिति संस्था ने नवजात बेटियों की माताओं को बेटियों के जन्म पर गौरव महसूस करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर बेटियों की माताओं को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान माताओं और बेटियों की आरती उतारी गई और उन्हें संतुलित भोजन के साथ मोटे अनाजों का सेवन करने की सलाह दी गई। इसके साथ ही जंक फूड से बचने की शपथ दिलाई गई। आयोजकों ने बताया कि भारतीय समाज में आज भी बेटियों और बेटों के बीच अंतर समझा जाता है। बेटियों के जन्म को सम्मानित और विशेष बनाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। संस्था पिछले कई वर्षों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित कर रही है। बेटी दिवस के उपलक्ष्य में हमें बेटी के लिए और अपनी मतलब अपने अपने को स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक आहार मूंग दालें उड़द कुट मूंग दाल तुअर दाल हरी सब्जियां विटामिन वाले और ज्वार बाजरा कुटकी ये उपयोग में लाना चाहिए ताकि बच्चे भी स्वस्थ रहे माँ बेटी दोनों स्वस्थ रह सके। हमारे घर लक्ष्मी आई है तो अच्छा खाना पीना उनका ध्यान रखना चाहिए और सबको पता रहना चाहिए कि अच्छा खाना क्या होता है। हाँ किस टाइप का खाना खाना चाहिए और हाँ खाने में क्या क्या होना चाहिए अनाज में मोटे अनाज होना चाहिए। बेटियों के जन्म पर माताओं को गौरव का अनुभव हो माताओं को ये लगे कि बेटी हुई है तो लक्ष्मी लेकर आई है इसलिए लक्ष्मी माता के स्वरूप आज चांदी के लॉकेट उनको बांटे गए। साथ ही एक पोषण किट बांटी गई जिसके अंतर्गत हमने माताओं से अनुरोध किया कि अपने बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए इस पोषण किट का उपयोग करें अपने दैनिक आहार में मोटे अनाजों का प्रयोग करें। जैसे कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है उस उपलक्ष्य में हम लोगों ने शीरी अन्न और जो मोटे अनाज हैं उन सभी के बारे में इनको जानकारी दी गई कि जंक फूड से हम लोगों को बच्चों को बचाना है और सेहत के लिए शीरी अन्न जैसे ज्वार बाजरा रागी ऐसे मोटे अनाजों का उपयोग करेंगे तभी हम लोग स्वस्थ रह सकेंगे और भविष्य में हम लोगों ने सभी की स्वास्थ्य की कामना की। शिवपुरी में